आपका स्वागत है फिर से हमारे ड्राइविंग स्कूल द्वारका ड्राइविंग स्कूल सेक्टर 10 में। आज हमारे स्कूल के इंस्ट्रक्टर अमित जी हैं हमारे साथ। यहाँ पे हमने ट्रैक बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि रिवर्स एस कैसे बनाया जाता है। आपको भी इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी आपके ड्राइविंग टेस्ट में। आप भी इसको सीख सकते हो वीडियो से अच्छी ट्रिक बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये अमित जी हैं, ये हमने ट्रैक बनाया हुआ है। यहाँ से हमने एरो लगा रखा है, यहाँ से आपको एंटर करना है, वहाँ से रिवर्स करके वहाँ जाना है। हम तो लगा दो रास्ता, यहाँ से हमने एंटर करना है रिवर्स एस के लिए। वहाँ पे लास्ट में जाके कार हमारी रुकेगी, वहाँ से रिवर्स करते हुए आपको वहाँ जाना है, ठीक है। अच्छे से सीख लीजिए और अब अमित जी आपको करके दिखाएंगे। एक ट्रिक याद रखनी है कि जिस साइड भी आपका टर्न है आपने लेफ्ट में कार दबानी है और अपने मिरर सेट कर लेने हैं ताकि आपको यहाँ तक का दिखाई दे, यहाँ तक का गिलास में, ताकि आप वहाँ से इस पट्टी को जज कर पाओ। यहाँ पे आपका डिवाइडर रहेगा और ये जो आप वाइट पट्टी देख रहे हो, यहाँ पे आपको टच होने से आपकी कार बचानी है। पहले लेफ़्ट में दबा के रखेंगे, लेफ़्ट साइड को टारगेट करेंगे और राइट साइड में जैसे ही यहाँ पे कॉर्नर पे आइए। अब ये करके दिखाएंगे आप लेफ़्ट साइड का। आपको ये जो जजमेंट है ये प्रॉपर रखना है, जितना भी आपका भी स्पेस है ये प्रॉपर रखना है। आइए, अब देखिए इसके साथ साथ हमने कार रखनी है। अब ये करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमने ये जो गैप है हमने मेंटेन रखा है। अब आगे आपको करना क्या, एग्जैक्ट स्टेयरिंग को सीधा नहीं करना है, स्टेयरिंग को लेफ्ट में घुमा के रखना है, फिर और पीछे आएंगे। गुड गुड गुड। यहाँ पे रोक के आपको ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे रोक के ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला आपने गिलास में देखना है कि यहाँ पे गैप बना या नहीं बना, उस साइड को छोड़ देना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब जब आपको इस गिलास में ये लास्ट वाला जो हमारा ये जो दिख रहा दिखाई दे रहा होगा आपको, आपको हल्का सा गैप जहाँ पे दिखाई दे कार को वहीं रोक देना है, स्टेयरिंग को नहीं छेड़ना है, ठीक है। हल्का सा गैप आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि मिरर में यहाँ से देख लेना, राइट में जहाँ पे भी ये हल्का गैप दिखाई दे आपको वहीं कार को स्टॉप कर लेना है। और फिर क्या करना है, अब आपका स्टेयरिंग घुमा हुआ है लेफ्ट में, तो यहीं पे जहाँ पे आपको गैप मैंने आपको दिखाया था गिलास में कि जैसे ऐसे गैप दिखने लगे तो यहीं पे स्टेयरिंग को सीधा कर लेना आपको। गुड, अब हम पीछे जाएंगे। गुड, अब वहाँ से हमने इस कॉर्नर को टारगेट किया है वाइट पट्टी को, अब हम पीछे आएंगे, ठीक है। आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपका भी ड्राइविंग टेस्ट में बड़ी हेल्प मिलेगी। आपको जितनी भी कोशिश रहे लेफ़्ट साइड के राइट साइड के क्लोज रहना है, इस कॉर्नर को टारगेट करना है जैसे ये हमारे इंस्ट्रक्टर कर रहे हैं। गुड गुड गुड, ऐसे ही आपने इसको टारगेट करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने गिलास में दिखना बंद हो जाएगा और ये गैप आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहीं पे पूरा स्टेयरिंग राइट में काट देना है हमने, ठीक है। आपको भी यही करना है जैसे कि अमित जी ने राइट में काट दिया है टायर, तो अब यहाँ पे यहाँ गैप बन गया है तो आपको लेफ़्ट साइड का मिरर देखना है कि उस साइड गैप है या नहीं है। गुड गुड गुड, ऐसे आप यहाँ पे आते रहेंगे। गुड गुड, आपकी कार अब बिल्कुल सीधी हो गई है। यहीं पे टायर सीधा करके हम बिल्कुल स्टेयरिंग सीधा करके टायर सीधे करके यहाँ तक आपको आना है। पीछे स्टॉपर है, ये येलो लेन होती है और यहाँ पे डिवाइडर होता है जहाँ पे हमने कोण लगाए हैं। आप लास्ट तक लेके आओगे,
गुड, ये इस तरीके से आपका रिवर्स सेस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको भी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से हमारी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको लगे कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बता के हमें बता सकते हो, कमेंट करके कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम उसका दूसरा वीडियो डालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।